इस खत्ते में जब भी हम तारीख लिखेंगे, मजाक निगारेंगे, कॉलम निगारेंगे, या आप तो बड़े संजीदा मौजूद पर टीवी पर बहुत अच्छा बोलते हैं, यानी मैं उनसे जिक्र कर रहा था, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गुलमुखे दफ्तर को तशरीफ लाए। किरण खान को आज मैंने पहली बार देखा है और मैं आपका फैन हो गया। इस खत्ते की मेहमान नवाजी की दुनिया भर में मिसालें दी जाती हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे दुख हुआ, तकलीफ हुई, मुश्किल भारत के ये बगैर रह नहीं सकता। कितनी मायूसी हुई, बहावलपुर और मुल्तान दो शहर मिलकर एक तकलीफ कर रहे थे और आने वाले लोगों से इंतकाम लिया था। आप क्यों लिखते हैं तकलीफ का वक्त 11:30 बजे? आप इसको 1:30 बजे कर देते या 11:30 बजे कर देते? तो ये भी सीखने के मौके हैं। इससे जो राइटर जिसकी तकलीफ हो रही होती है उसकी कोई इज्जत अफजाई नहीं होती। जो हो सकता है किरण खान के जिम्मे कुछ काम कम हो, लेकिन आपको खुद जब भी वक्त पर आपके मेहमानों का इस्तकबाल करना चाहिए। आप उसकी जो भी वजह पेश करेंगे, आपकी मेकअप में देर हो गई या ब्यूटी पार्लर से मैं देर से निकली, जो भी बात थी, लेकिन आप जिस तरह से बड़े दबंग अंदाज से मजाक निगारी करती हैं, तो आपको प्लीज़ ये सीखने का मन है, हम सबको बताना है, सिखाना है। मैं आपसे छोटी उम्र में बड़ा हूँ और मेरा काम ही तकरीबात करना है। मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, मुझे दुनिया भर में जाने का मौका मिलता है, लेकिन मैं सबसे पहले वक्त की पाबंदी का जो दर्श मैं खुद भी देता हूँ। करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी होते हैं जिनका काम ही रुलाना है, हंसाने वाली औरतें बहुत कम हैं, उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। तो इसलिए आपका शुमार हंसाने वाली खवातीन में हुआ है, तो आपको अपने इस सफर को जारी रखना है और मजाक के साथ साथ जो आपका तंज मजाक का स्टाइल है उसको भी जारी रखना है। लेकिन जितना आपने को करवट दी और मोहब्बत फाते आलम की तरफ आ गई, जहाज जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें अलावा इकबाल ने कहा है, लेकिन ये शमशीर आपने भी पकड़ी और इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तो जो राइटर्स हैं वो बताएंगे, जिन्होंने पढ़ा है, जो आज के मुखरदीन हैं, कि वो इस किताब के बारे में क्या राय रखते हैं। किताबों के बारे में बात कर रहे थे, तो किताबों के बारे में शायद हमारे लिए मुकर्रर से बेहतर कोई नहीं बोल सकता। मुझे किरण खान साहब ने शायद के पॉइंट से रब्ता किया और कहिए आपने इस तकलीफ की निजामत करनी है। मैंने कहा आपसे अच्छा तो कोई निजामत वाला नहीं है, तो इसके बावजूद आप मुझे क्यों कह रहे हैं, उसका मैं बड़ा अच्छा जवाब दिया। और शाकिर भाई जो है वो इतना अच्छा बोलते हैं कि उनके अच्छा बोलने पर इन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती अवार्ड से नवाजा हुआ है। हमारे खत्ते का बहुत बड़ा एजाज है। शाकिर भाई के सामने बोलना ये मेरा मैं जब तक अंदाजा लगा, सिर्फ एक शख्सियत, एक हस्ती ऐसी है जो शाकिर भाई के सामने बोल सकती है, जब मैं आपको फाइल देख रहा था तो पाकिस्तान में टैली फिल्म के हवाले से हमारे इस खत्ते की बेटी है, थोड़ा नाम कमाया। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगा, तेरी मेरी कहानी की टैली फिल्म जिसे अब तक 10 करोड़ मरतबा देखा जा चुका है, कहते हैं कि मुझे किसी भी तायुन का अख्तियार नहीं, मुझे किसी भी तायुन का अख्तियार नहीं, कोई और मेरे रास्ते बदलता है, तो मुझे तब्दीली भी करनी है जैसे जैसे मेरे सामने चीज़ें आई हैं। आपने किरण खान के हवाले से बहुत अच्छी बात की कि इन्होंने अपने अब्बा की शादी खुद करवाई, उसके साथ ही आपने मेरे रिश्ते का भी जिक्र कर दिया, तो मेरी तरफ से इजाजत है आपको, कहीं आपको अच्छा रिश्ता नजर आए तो मुझे जरूर बुला लीजिए, ठीक है? हाजिर। ये ना समझो वफा का मसला है, दोहा पास है अना का मसला है, अना परस्ती है, उसने हमारे बहुत तबाहियां दी हैं, जिसको एक उर्दू में किसी शायर ने बड़े आसान लफ्ज़ में कह दिया कि आप सब अपने पल्ले से बांध लीजिए कि हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग, ये रोग, ये दुख इस दुनिया का, बल्कि हम इस माशरे की तरफ चले जाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग,
پوری دنیا میں ہم اس خوف میں اپنے فیصلے الٹے پلٹے کر دیتے ہیں, لوگوں کے خوف سے ہم حقائق سے دور بھاگ جاتے ہیں. میرا خیال ہے اپنے فیصلے ہمیں خود کرنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے. رضی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. جس دن یہ نہیں کرتے تھے تو میں خود ان کو کہتی تھی کہ آج ان کا مجھ سے نہ فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں. پھر آپ کیوں کہ آپ نے اپنے ماں کو پڑھائی نہیں, میں نے کوئی پڑھائی نہیں ماری. دیکھیں یہ پورے ہاؤس کا فیصلہ سن لیں, کہیں نہ کہیں آپ کی محبت میں کوئی قصر ہے, ورنہ یہ ایمان سے بھول جاتے. آپ ذرا تھوڑا خیال رکھیں, وہ تو سر عام کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ یاد آ رہی ہے. جی جی کیوں میں کیا اس میں خاص بات تھی اور اس میں کیا کمی ہے زندگی میں؟ یہ تو بہت اچھی ہے, میرا بہت خیال رکھتی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اچھا اس کے اگر خیال کمی ہے تو کوئی اور پچاس سال جس کے ساتھ میں رہا ہوں, تقریباً 45 سال بچپن سے ہی اکٹھے سے رہتے تھے نا. اگر وہ خوش ہو اوپر آپ سے بچھڑ گئے, نہیں نہیں وہ گزشتہ اس ہفتے میں تین دفعہ بہت اچھی باتیں بھی کر کے کہہ رہے ہیں. آپ سب ان کے دل جلانے والی باتیں کر رہی تھی. میں تھوڑا آپ سب کو ایک پنیر کی بات بتاؤں, یہ اتنے دل کے ساتھ ہے. یہ شروع شروع مجھے کہتے تھے کہ نا مجھے نا تم سے محبت نہیں ہے, میں کیا کروں. تو میں کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں, آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے, مجھے تو آپ سے محبت ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, اور یقین جانو ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں.